हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्विस ब्यूटी के इस मेकअप फिक्सर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने नायका से अभी कुछ महीनों पहले परचेज किया है और ये मुझे 250 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट पड़ा है। 250 इसका MRP है, बट आई थिंक मुझे ये 200-220 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट पड़ा है। और इसका जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 50 ml। या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इन टू द रिव्यू वीडियो। ये सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। ये इसका इस तरह की कुछ ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है, जिसके अंदर ये छोटी सी क्यूट सी बॉटल है ब्लैक कलर की, जो मुझे बहुत ही सुपर क्यूट लगी। तो ये स्विस ब्यूटी ब्रांड का है, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। और मेरी एक्सपेक्टेशंस इस प्रोडक्ट के साथ काफ़ी हाई थी, बिकॉज स्विस ब्यूटी एज अ ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। उसकी प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। प्रोडक्ट में ये क्लेम करता है कि इसके अंदर एलोवेरा जेल विद विटामिन ई है। तो अगर इसमें इन इंग्रेडिएंट्स के साथ इस प्रोडक्ट का प्राइस अगर 250 रुपीज़ है, तो विच आई थिंक इज एक्सट्रीमली वर्थ द मनी। 250 रुपीज़ का अगर आपको एक अच्छा मेकअप फिक्सर मिल रहा है, देन आई थिंक इट इज़ वर्थ बाइंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसका जो कैप है वो इसको सिक्योर करके रखता है। और इसका जो नॉजल है, इससे जो स्प्रे होता है ना, ये बहुत ही इवनली आपकी स्किन पे स्प्रे करता है, ताकि और आपके मेकअप जैसे कई स्प्रे होते हैं ना, वो बहुत ही हार्श होते हैं या फिर अनइवन होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो हिल जाता है, कई जगह से फाउंडेशन हट जाता है, बिकॉज वो बहुत ही हार्श तरीके से आपके स्किन पे स्प्रे होता है। बट ये काफ़ी इवनली आपकी स्किन पे स्प्रे करता है, बहुत ही स्मूथ स्प्रे करता है, और आपकी स्किन में बहुत ही ईजिली सोक इन हो जाता है। मेरी एक्सट्रीमली ऑयली एक्सट्रीमली कॉम्बिनेशन स्किन है, एंड मेरी सेंसिटिव स्किन भी है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं सूट करता है, तो मैं बार बार आपको यही बताती रहती हूँ कि मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। बट इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी फेस नहीं हुआ, ऑनेस्टली गाइस। हाँ, थोड़ा सा मुझे फील होता है कि शायद इसमें अल्कोहल है, क्योंकि मुझे खुशबू आती है थोड़ी थोड़ी अल्कोहल की, बट देन दैट्स ओके। इसकी इतनी भी वो अल्कोहल की स्मेल नहीं है कि ओवरपावरिंग हो जाए। जैसे मैंने ब्लू हेवन का भी मेकअप फिक्सर ट्राई किया हुआ है, अगर आप रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसमें आपको बताया है कि जो ब्लू हेवन का मेकअप प्राइमर है, उसमें जो उसकी अल्कोहल की खुशबू है ना, वो थोड़ी ज़्यादा ही ओवरपावरिंग है। बट उसके कंपैरिजन में इसमें मुझे उतनी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, और ना ही इसे यूज़ करने के बाद मेरी स्किन पर टचवुड कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हुए। सो अगर आप भी ऑयली स्किन हो, या इनफैक्ट ड्राई स्किन भी हो, तो आप इस प्राइमर को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर एलोवेरा प्लस विटामिन ई भी है। ये आपके मेकअप को काफ़ी अच्छे से फिक्स कर देता है और काफ़ी लंबे समय तक आपके मेकअप को इंटैक्ट रखता है, बिल्कुल भी हिलने नहीं देता है। लाइक मैंने इसे कई बारी ट्राई किया हुआ है, और मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मेरी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन होने के बाद भी ये मेरे मेकअप को आराम से 7-8 आवर्स तक मेरी स्किन पे ही रखता है, कहीं भी नहीं जाने देता है। उसके बाद मेरा मेकअप जो है मेरे टी जोन से थोड़ा थोड़ा हटने लगता है, बिकॉज मेरी टी जोन जो है वो एक्सट्रीमली ऑयली है। सो मेरे जो नोज़ के एरिया के अराउंड का मेकअप है, वो सबसे पहले हटना शुरू हुआ आफ्टर 7-8 आवर्स, विच इज़ अ प्रिटी गुड टाइम। बिकॉज अगर आप कहीं हैवी मेकअप करके किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में जा रहे हो, तो यू वॉन्ट योर मेकअप टू लाइक लास्ट लॉन्ग, एंड दैट इज़ वाई यू वॉन्ट लाइक सम गुड मेकअप फिक्सर। तो आप उसके लिए इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल भी है, सो आई डोंट थिंक कि आपकी पॉकेट में भी कोई होल बर्न करेगा। एंड इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एंड ऑनेस्टली गाइज, आप इसे एक बार ट्राई करो। सिर्फ ये मत सोचो कि सस्ता है या स्विस ब्यूटी ब्रांड का है, मुझे ट्राई करना चाहिए कि नहीं। स्विस ब्यूटी एज अ ब्रांड गाइज, ऑनेस्टली मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मेरे इस प्रोडक्ट के से भी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, जो इसने मीट की है मेरी एक्सपेक्टेशंस। एंड आई विल 100% रिकमेंड कि आप लोग भी इसे परचेज करो, ये डेफिनेटली ये काम करेगा, चाहे आप किसी भी स्किन टाइप के हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो आपके लिए वीडियो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना। जाने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस सब्सक्राइब बटन को हिट करो गाइस, और उसके साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट करो, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो या मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।